1947 तो पहला इस मंग नूं खालिस्तान दी मंग प्रचारन लग पिया इत्थों दा हिंदू प्रेस, जिस तरह के इन्होंने पाकिस्तान पाकिस्तान दी मंग प्रचारी सी। ठीक है, पाकिस्तान दा लफ्ज भी इन्होंने घड़िया सी, खालिस्तान दा लफ्ज भी इन्होंने घड़िया। इंदिरा गांधी ने खालिस्तान दी कॉन्सपिरेसी बनाई सी ताकि सिख इस दे विच फस जान ते इन्हां नूं ए खालिस्तानी कह के भंडिया जावे ते इन्हां नूं मारिया कुट्टिया जावे ते इन्हां दे कतलेआम इन्हां दा कीता जावे। कि पंजाब दे विच इस तरह का कोई मसला नहीं सी, ये हिंदू प्रेस ने और इंदिरा गांधी ने दे इशारे दे उत्ते यह सारा कुछ होया। खालिस्तान की मंग उभारी गई, एक्सट्रीमिस्ट मंगा उभारियां गई और तुसीं जानदे हो कि बाद दे विच पुलिस ने लोगों नूं फड़ के घरां दे विचों लै जाना, उन्हां नूं कुट मार के उन्हां नूं रूपोश कर देना, करन वास्ते मजबूर कर देना और एक खालिस्तान की मंग मंगन वास्ते मजबूर कर देना। इन्होंने चक्कर भी रचिया, उसका नाम है खालिस्तान, जिस दे विच फसा के इन्होंने 2.5 लाख सिख हुण तक एक कतल कर चुके हैं और एक कतलेआम अज तक जारी है। हुण इन्होंने कुछ कोशिश की है कि खालिस्तान का हवा विखा के अमरीका के कैनेडा विच जिहड़ी सिखां दी पोजिशन बन गई है सियासत दे विच उस नूं खत्म किया जाए। ये एक साजिश नवीं कि मैं रोज़ जपजी साहब का पाठ करदा, लेकिन जे कोई मैनू जबरदस्ती कहे भी तैनू जपजी साहब का पाठ करना पएगा तो कहिंदे मैं पाठ नहीं करांगा। खालिस्तान की प्राप्ति लई 47 तो बाद तो ही सिखां ने स्ट्रगल शुरू किया होया, लेकिन तकनीकी गल ये आ कि ये जिहड़ा शब्द आ ये 47 तो पहला शायद कितने पढ़न नूं सिख हिस्टरी विच नहीं मिलता। कुछ क साल पहले इहदी बहुत वड्डे पद्धर ते इहदी चर्चा शुरू हुई सी। सो ये देखांगे कि आपां किन्ना कु जायज़ आ खालिस्तान की मंग ते की ये सिखां की मंग है जां नहीं है, इहदे बारे असीं गल करांगे। साडे नाल सरदार गुरतेज सिंह जी जो कि प्रोफेसर ऑफ सिखिज़म ने। सर तुहाडा बहुत बहुत स्वागत है ब्रेन ऑन टीवी ते। थैंक यू। सर तुसीं मुद्दा समझ चुके हो कि मुद्दा हैगा अपना खालिस्तान दा। मेरा पहला सवाल यह आ कि एक खालिस्तान दा शब्द जा खालिस्तान दा मुद्दा सिख हिस्टरी दे विच जा सिखां दे वेड़े दे विच किवें आया और कि ये जिहड़ा मुद्दा सिद्धांतक पक्षों ठीक आ जा इहदे पिछे कोई साजिश काम करदी रही हुण तक। जसपाल जी इस तरह हैगा जी, पहली गल तो मैं ये दसा कि वो प्रोफेसर ऑफ सिखिज़म में कोई 15-20 साल काम किया सी, उस तो बाद विदड्रॉ हो गया सी। मैं भी अपनी तरफों इनू खत्म करता सीगा, वापस करता सी, इस करके इस वेले कोई इस तरह का अहुदा नहीं है मेरा जी। लेकिन आपां गल करन दे विच तां इहदे विच कोई भी कर सकदा जी, जी। तो आपां गल करदे हां इस दे बारे। इस तरह है कि सिख शुरू तो जदों की यह लहर शुरू हुई सी हिंदुस्तान वालिया ने की सी कि असी आजादी लैण वास्ते लहर चला रहे हैं जी, सिख इन्हां दे नाल शामिल सन, इन्हां नूं वादे किए गए सन कि ऑटोनमी दिती जाए कि तुहानूं सारे जिन्नियां असैंबली हन गियां इन्हां दे विच तुहाडी नुमाइंदगी होएगी, बतौर सिख तुसीं वोट कर सकदे हो जी, कम्यूनल रिप्रजेंटेशन इहनूं कहिंदे ने, बतौर सिख थोड़े नुमाइंदे चुने जाएंगे, थानू सर्विसेज दे विच थोड़ी नुमाइंदगी होएगी, तो एक ऑफिसर अपॉइंट किए जाएंगे जिहड़े कि थोड़े राइट्स नू देखेंगे भी इन्हां नू मिल रहे हैं अधिकार कि नहीं मिल रहे जी। एहो जे वादे आजादी का तुसी निग मान सकोगे, एहो जे वादे साडे नाल बहुत वारी होए सन। इस दे उत्ते सिख समझदे सन कि उन्हां नूं अपना एक खुद मुख्तियार खिता मिलेगा जिस दे विच वह अपने धर्म की ते अपने कल्चर की राखी कर सकणगे। ठीक है जी। सो यह सी इन्हां दी अंडरस्टैंडिंग जिहड़ी इह भारत दे विच हिंदुस्तान दे विच लहर चल रही सी जिसनूं इह आजादी कहिंदे ने जी, उस दी लहर चल रही सी, इस दे बारे इह अंडरस्टैंडिंग सी सिखां दी। बाद दे विच जिवें जिवें पाकिस्तान नेड़े आउंदा गया इन्हां लोकां ने पाकिस्तान दे बरखिलाफ कुछ कहना नहीं सी चाहुंदे उत्तों, लेकिन अंदरों अंदर ही ये चाहुंदे सन कि पाकिस्तान बन के रहे
कि जिहड़े मुसलमान हन ये हिंदुस्तान दे विचों निकल जान ते इन्हां नूं इन्हां दी सिरदर्दी ना होवे बाद दे विच, क्योंकि इन्हां दे कोल ऐसी काबिलियत नहीं सी कि अपनी पॉपुलेशन नूं अपने जिहड़ी उन्हां दे वर्क क्लास धर्म दी है उस नूं ये बना सकन। सो इन्हां ने सिखां दे उत्ते अपना ये जिहड़ा सीगा ये भांडा भन्नण दी कोशिश कीती। तेज बहादुर सपरू की कमेटी की रिपोर्ट बार बार ये कोट करते रहे जवाहर लाल नहरू ते दूसरे गांधी ते होर लोग जी। उस दे विच साफ लिखा सी कि सिखां नूं भी एक इस तरह का खिता चाहिए जिदे विच खुद मुख्तियार होण, यानी कि खालिस्तान की गल की गई सी। ए बाद दे विच इस इसे नूं इन्हां आजाद 1947 तो पहला जी इस मंग नूं खालिस्तान की मंग प्रचारन लग पिया इथों दा हिंदू प्रेस, जिस तरह के इन्हां ने पाकिस्तान पाकिस्तान की मंग प्रचारी सी। पाकिस्तान का लफ्ज भी इन्हां ने घड़िया सी, खालिस्तान का लफ्ज भी इन्हां ने घड़िया। एडिटोरियल मैं देखे जिन्हां दे विच ये खालिस्तान ते सिखां नूं मिलना चाहिए खुदमुख्तियारी इत्याद इहो जिहियां गल्लां इन्हां दीआं कीतीआं होईआं। सो इहदे दो पक्ष हन गे, सिख अपनी खुदमुख्तियारी मंग रहे सी जिसके ये हकदार सन, तो जिहड़ा खालिस्तान का लफ्ज है इन्होंने घड़िया सीगा इस वास्ते भी पाकिस्तान दे काउंटर करन वास्ते, तां कि लोकां नूं हिंदुस्तान दे लोकां नूं ये भ्रम पैदा होवे कि जी जिहड़े साडे लीडर हन गे पाकिस्तान नहीं बन देना चाहुंदे, ते इस करके ये सिखां दा खालिस्तान दा अड़िका अड़ा रहे ने। सो ये सी इसकी असली गल। जिस वेले ये सारा कुछ जिहड़ा डिफाइन हुंदा है ये समझ आउंदा अपनी, वह 1947 दे विच जाके हुंदा है जी। सो खालिस्तान दे बारे तां इन्ना अच्छा बाद दे विच जदों संत जरनैल सिंह जी खालसा की गल करदे ने कि जी इन्हां ने खालिस्तान की मंग कीती, वह असीं जाणदे हां कि संत जरनैल सिंह जी दे सराहणे आनंदपुर साहब रेजोल्यूशन रखी हुंदी सी जी। और वह कहिंदे सन कि मैं अकालियां की मदद दे उत्ते आया, मैं सियासी आदमी नहीं, मैं धार्मिक आदमी हाँ, तो मैं इन्हां दी मदद करन वास्ते आया, जो इन्हां दा प्रोग्राम है उस दे विच मदद करन आया जी। इस दे साडे कोले अनेक प्रमाण हन गे। सब तो पहला तो यह तुसी इहदी इक अपने अमरिंदर सिंह की बायोग्राफी देख लो, 138 पन्ने दे उत्ते उत्थे उह लिखदा है कि वह जाके संत जरनैल सिंह नूं मिलिया और उन्होंने नाल गल कीती, उन्होंने पूछया कि थोड़ा सियासी निशाना की है जी। उन्होंने आख्या कि आनंदपुर साहब रेजोल्यूशन 1973 वाला मेरा सियासी निशाना है। और ये बड़ी उन्होंने सियानी गल सी, क्योंकि 1973 वाले मते दे विच उही गल्लां कहीं गई सन जिहड़ियां कि 1947 तो पहला सिखां दे नाल जिन्हां दे वादे हुए सन जिन्हां नूं पूरे करन दा उन्होंने ऐद लिया सी। ये जिहड़ा सीगा सारे दा सारा ये जिन्नियां गल्लां तुहानूं दस्सियां मैं कि असैंबली दे विच पार्लीमेंट दे विच रिजर्वेशन सीट्स की सैपरेट इलैक्टरेट खुद मुख्तियार खिता और कल्चर दे मतलक खास अधिकार इत्याद, ये सारा कुछ इन्हां दी एक रेजोल्यूशन जिहड़ा फंडामेंटल रेजोल्यूशन सी इस दा कॉन्स्टिट्यूएंट असैंबली दा जी, जिहड़ा कि 1947 दे विच 1946 दे विच कीता गया सीगा, इन्हां ने पास कीता सी असैंबली दे विच जी, उस दे विच सारा कुछ लिखिया होया सी। और मता जिस वेले प्रवान हो गया उस तो बाद 13 अगस्त नूं उस तो बाद अगस्त दे विच सिखां ने ये और इस मते दे आधार दे उत्ते कॉन्स्टिट्यूशन की पहली ड्राफ्ट बन गई और उस दे 14वें पाठ दे विच ये सारे दे सारे अधिकार सिखां नूं दे दित्ते गए जिहड़े उन्हां दे नाल वादा कीता सी, जिहड़ा कि ये फंडामेंटल रेजोल्यूशन दे विच वी उन्हां ने पास कर असैंबली ने पास कीते सी खड़े हो के और बड़ी श्रद्धा दे नाल ये वादा किया सी कि असी ये अधिकार अपने जिहड़े यूनिट्स हैगे फैडरेटिंग यूनिट्स जिहड़े आ रहे ने साडे विच शामिल हो रहे ने
हिंदुस्तान दे विच असी उन्हां नूं ये अधिकार देवांगे। ये इन्ना कुछ होने तो बाद 13 अगस्त नूं जाके सिखां ने हाँ की सी कि असी असैम्बली ज्वाइन करांगे। इस तों पहलां कॉन्स्टिट्यूएंट असैम्बली दे विच सिखां दी नुमाइंदगी नहीं सी। इस ये रेजोल्यूशन पास करन तों बाद अधिकार दे तो बाद दूसरे पार्ट के विच इन्हें शामिल किया गया। आर्टिकल 299 लिखा गया जिस दे विच एसी उन्होंने पहुंच जान ये देखने वास्ते एक कमिश्नर अपॉइंट किए जाएंगे। कमिश्नर अपॉइंट किया जाएगा या कमिश्नर अपॉइंट किए जाएंगे जेड़े वेखणगे कि जेड़े अधिकारियों को कॉन्स्टिट्यूएंट दे विच मिले ने वह मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे। इस तों बाद सिखां ने ज्वाइन किया सी। सो ये इस दा हाल ते जे तुसी देखो संत जरनैल सिंह जी वेले तां उस दी आपां गल कर चुके हैं और उस तों बाद इस दे विच होर गल करन दी लोड़ है तां इस दा विस्तार हो सकदा है। सर जिवें संत जरनैल सिंह अक्सर एक उन्हां दी स्पीच वायरल हुंदी है कि उह कहिंदे सी कि जदों दरबार साहिब ते हमला हो गया तां उस तों बाद खालिस्तान दी नींह रखी समझी जा सकदी आ, तां इहदे बारे तुहाडा की विचार है जी? देखो जरा ये कहें जी इस जरा है इस तरह का आया, लेकिन संत जरनैल सिंह के नाल मैं शुरू तो विचरता रहा जो उत्थे दरबार साहब गए न उस तो पहलों का भी मेरे नाल उन्हों का जिवें सोशल रिलेशन समझो या आन जान या गलबात उन्होंने नाल चलती रही। उन्होंने कभी नहीं क्या कि मैं कौम या कि कौम मेरे मगर लग के तो सियासी निशाना हासिल हो जाएगा। बार बार वह कहते सन कि मैं धार्मिक आदमी हाँ और मैं इस तो अपने खेत्र तो बहर नहीं जावगा। मेरे वर्गिया ने बहुत बार बेनती की कि जिस तरह अजकल किसानों का हाल है ये भी कह रहे हैं कि असी तो किसान हाँ असी तो एक सियासत दे विच हिस्सा नहीं लेना। मैं उन्होंने बेनती की कई बार कि संत जी हुण ये गल नहीं हैगी कि तुसीं अपने आप नूं की समझदे हो, हुण तां मसला ये भी हैगा कि लोग तुहानूं की समझदे है ते थोड़ा दुश्मन तुहानूं की समझदा है। इस करके तुहानूं सियासत दे विच अपना हिस्सा पाउणा चाहीदा है। उह कहिंदे रहे कि बिल्कुल नहीं होएगा मैं सियासत दे विच कदे नहीं जावांगा। हुण जिहड़ा ये कहिंदे ने फिर उस तों बाद जिवें आपां गल कर चुके हाँ उन्हां दे सराणे दे हेठ आनंदपुर साहब रेजोल्यूशन हुंदा सी और वह कहिंदे सन कि मैं इस दे अनुसार सिखां दे जो बणदे अधिकार हन खुद मुख्तियारी इत्याद वह मैं मंगदा क्योंकि अकाली दल मंग रहा है मैं मंगदा। सो जिन्ने भी उन्होंने उस वेले प्रेस वाले मिले न होर लोग मिले न सारिआं नूं उन्होंने यही किया है किसी के कोल उन्होंने खालिस्तान की मंग नहीं चुकी। ये जिस वेले संत जी आखिरी दिन सन जर्नलिस्ट सीगा और जिसनू राजीव गांधी ने खास तौर दे उत्ते संतां दे नाल गल करन वास्ते भेजिया सी उसने अपनी रिपोर्ट छापी है वह टाइम्स ऑफ इंडिया दे विच भी छपी है स्टेट्समैन दे विच छपी है और उसने लिखिया कि यह मई की गल है मई 1984 की कि संतां ने मैनू कहा कि भाई साढ़े जड़े साढ़े इंटरफीरेंस ये बंद कर दें धर्म के जोड़े साढ़े लोग कैद के हैं गए टकसाल दे ते होर इन्हों रिहा करन इन्हों दे लसेंस वगैरह बहाल कर देन ते जिहड़ी एक जिहड़ियां अकालियां दीआं मंगां हनगियां आनंदपुर साहब रेजोल्यूशन के अनुसार ये मंग लैन ते ये मन लैन ते उस तों बाद असीं अपना मेहता चौक जाके प्रचार करांगे साडा इस दे विच कोई इंटरस्ट नहीं। उस तों बाद ये तीन एक रवि सिंह आए केंद्र वल्लों वह भी राजीव गांधी वल्लों इंदिरा गांधी वल्लों भेजे गए सन जिन्हां दे नाल गलबात संतां दी होई है और जिन्हां ने जाके अपनी रिपोर्ट दित्ती है इन्हां दिनां दे विच ही जून दे अटैक तों पहलां और वह भी कहिंदे ने कि आह गल संतां ने मैनूं कही सी और ये रिपोर्ट की हुई अपन मिलती है। उस तों बाद जगतार सिंह अपने
इंडियन एक्सप्रेस वाले जिन्होंने हुण किताबां भी दो तीन लिखिया ने, दो किताबां अच्छियां उन्हां दीआं आईआं ने, काफ़ी उन्हां दे विच उस समय का मटीरियल है। उस दे विच वी उह कहिंदे कि मैं अखीर दे उत्ते संतां नूं मिलिया सी और उन्होंने कोई इस तरह की गल नहीं की, उन्होंने आ ही कहा कि आ मंगा होणगीआं साडीआं जिहड़ीआं उन्होंने प्राण चोपड़ा नूं कहा सी, जिहड़ा जिहड़ा उन्होंने रवि सिंह नूं कहा सी, इही गल्लां मैनूं कहीआं। हुण इस तों बाद जे कोई उन्हां दी वीडियो या कोई इस तरह का कोई सेंटेंस उन्हां दा कितों कट के ते किस तरह नाल बनाया गया या जेन्युइनली भी जे हैगा तां इस दे विच असीं नहीं कह सकदे कि संतां दी इह सोची होई गल सी या उन्हां दा आदेश सी या उह सियासी तौर दे उत्ते इह हुक्म सिखां दे उत्ते नासर नाज़िल कर रहे सन। संत जरनैल सिंह जी साढ़े सियासी लीडर नहीं सन जी, वो धार्मिक आगू सन, उन्होंने जेडे धर्म के जो उन्होंने सानू सेध दिती सी कि केस रखो, दाड़ियां रखो, अमृत छको, गुरु का भय मन दे विच रखो, सच बोलो, उन्होंने विचों तां कोई भी असीं अडॉप्ट नहीं किया। तो असीं कह रहे हैं कि आ जिहड़ी गल हैगी ਬਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸੀਂ ਅਡੋਪਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆਈ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਫਿਰਕਾ ਬਣਿਆ ਲੱਗਦਾ ਜਾਂ ਖਾਸ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਬਣਿਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕਾਫ਼ੀ ਕੁਛ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਕਾਫ਼ੀ ਸਿਆਸੀ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਗਰਮ ਰੱਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੋ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੁਣੇ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਕਿਤਾਬ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਬੀ ਐਸ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕੌਨਸਪਰੇਸੀ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕੌਨਸਪਰੇਸੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਕਹਿ ਕੇ ਭੰਡਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਕੁੱਟਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਬੀ ਡੀ ਪਾਂਡੇ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਆਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਅੱਜ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹਟਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੈਸ ਨੇ ਔਰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੋਇਆ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਉਭਾਰੀ ਗਈ, ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਿਸਟ ਮੰਗਾਂ ਉਭਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਮਾਰ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੂਪੋਸ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਔਰ ਇਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਬੀ ਸਿੰਘ ਹਨਗੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਾਹਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਔਰ ਇਹਦੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਮੇਰੀ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਜਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਥਰਡ ਕਿਤਾਬ ਸੀ ਮੇਰੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਦਾ ਚੱਕਰਵਿਊ ਆਫ ਖਾਲਿਸਤਾਨ, ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਚੱਕਰਵਿਊ ਹੈ ਤਾਂ ਚੱਕਰਵਿਊ ਇੱਕ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਭਿਮਨਿਊ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਅਰਜੁਨ ਦਾ ਲੜਕਾ ਸੀ 16-17 ਸਾਲ ਦਾ, ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਯੋਧਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਮਹਾਰਥੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਚੱਕਰਵਿਊ ਬਣਾਇਆ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਰੋਣਾਚਾਰੀਆ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਚੱਕਰਵਿਊ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ 2% ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੱਕਰਵਿਊ ਰੱਖਿਆ, ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਖਾਲਿਸਤਾਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2.5 ਲੱਖ ਸਿੱਖ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਕਤਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਕਤਲੇਆਮ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਸਰ ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੁਛ ਸਮਝਦਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀ ਹੈ ਫਿਰ? ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸਲ 'ਚ ਸਿੱਖ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕੀ ਨੇ ਉਹ? ਹਾਂ, ਸਿੱਖ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ? ਸਿੱਖ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਾਰ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 14ਵੇਂ ਪਾਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਹ ਅਧਿਕਾਰ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜੀ। ਔਰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀਗੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆਪਣੀ ਵੋਟਿੰਗ ਨਾਲ ਚੁਣਨਗੇ, ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੋਟ ਕਰਨਗੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸਿੱਖ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਚੁਣੇ ਜਾਣਗੇ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਵਿਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੈਂਬਲੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਿੰਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਹੋਏਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ 2% ਤਾਂ 2% ਉੱਥੇ ਸੀਟਾਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ਰਵ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸਿੱਖ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲਚਰ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਹੋਵੇ, ਆ ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਧੌਂਸਣਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ, ਰੋਜ਼ ਦੀ ਰੋਜ਼ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅੰਨਾ ਫਲਾਣਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਇਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਬੂਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਡੈਸਪੋਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਹੱਕ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਹਨਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ਼ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹਊਆ ਵਿਖਾ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਜਿਸ਼ ਨਵੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਡੀਪ ਸਟੇਟ ਦੀ ਸਮਝੋ ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਾਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਹੁਣ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਤਾਂ ਵੈਰੀ ਕਾਫੀ ਸਾਫ਼ ਹੈ, ਔਰ 1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਡਰਾਫਟ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ 14ਵੇਂ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ ਪੋਜੀਸ਼ਨ, ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ 1973 ਵਾਲੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬਿਨ ਇਨ ਬਿਨ ਇਹੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੀ ਅਸਲੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਸਰ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਕਸਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਿੱਖ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋਏਗਾ ਜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਸਿੱਖ ਇੱਕੋ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੀ ਹੱਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਹਿਮਤ ਹੋ? ਆਜ਼ਾਦੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਖੁਦ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ ਵੀ ਅੱਜ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਚਾਹੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਤਾਕਤਵਰ ਹੋਵੇ ਉਹ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ ਤਾਂ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। UNO ਦਾ ਕੁੰਡਾ ਸਭ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਔਰ UNO ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਐਗਰੀਮੈਂਟਸ ਹੋਈਆਂ, ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨਸ ਹੋਈਆਂ, ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤੇ ਆਦਿ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਸੰਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ UNO ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਔਰ UNO ਦੇ ਵਿੱਚ UNO ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹਾ, ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ, ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਮੋਰਲ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਿਲਿਟੀ ਸਮਝ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਨ ਬਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦਾ, ਕਈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਲਕ ਇੰਨਾ ਸੋਵਰਨ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਸਕੇ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਕਾਬੁਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੋਵਰਨ ਇਸ ਅੱਜ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਇਹ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਆਪ ਘੜ ਸਕੀਏ, ਔਰ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਇਹ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਮਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਲਾਗੂ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾਅਰੇ ਮਾਰ ਕੇ 2.5 ਲੱਖ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਕਤਲ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਹੂ ਦੀ ਪਿਆਸ ਹੈ ਉਹ ਬੁਝੀ ਲੱਗਦੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਕਾਇਮ ਹਨ।
सर जे गल आपां आज़ादी दी करदे आं तां मान लो बहुत सारे लोग ने जां जिहड़े फिरके ने उन्होंने आपो अपने सहूलत दे मुताबक जां आपो अपने धर्म दे मुताबक कई चीज़ां दे उपर पाबंदी ला दित्ती आ, जिवें कई थावां ते औरतां नूं उस किस्म दी खुल नहीं मिलदी जां नशियां दे उपर वी कई थावां ते पाबंदी लाई होई आ, तां जिहड़ा हुण मौजूदा समां आ उहदे विच लोक अपनी मर्जी नाल रहना चाहुंदे ने, मर्जी दा खाणा पीणा चाहुंदे ने, अपना जीवन साथी वी अपनी मर्जी नाल चुणना चाहुंदे ने, ਤਾਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਜੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕੋਈ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਬਣਾਉਣਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਿਉਣਾ? ਜਸਪਾਲ ਜੀ, ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗੀ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਕੀ ਅਸੂਲ ਹਨਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਨਸਰ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਔਰਤ ਦਾ ਦਰਜਾ ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਆਦਮੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਮਾ ਹਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕੀਦੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਮਨੁੱਖ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਆਦਮ ਸੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਅੰਮਾ ਉਸ ਦੀ ਪਸਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਅੰਮਾ ਹਵਾ ਬਣਾਈ ਸੀ ਜੀ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਕੀਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਹੈ ਉਹ ਅਪੈਂਡਿਕਸ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਦਾ, ਆਦਮੀ ਦਾ, ਤੇ ਉਸਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜੀ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਸਿਕ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਰੂਲ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਈਸਾਈ ਮਤ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਈਵ ਸੀਗੀ ਉਹ ਐਡਮ ਐਂਡ ਈਵ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾਏ, ਜਿਹੜੀ ਈਵ ਸੀ ਉਸਨੇ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਸਨੇ ਐਡਮ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਲੋਕਾਂ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਉਸਦਾ ਸੰਗ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਗੁਨਾਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਧੋਣ ਵਾਸਤੇ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਹਨ ਗੀਆਂ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੈਂਪਟ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਗੁਨਾਹ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਤਿਆਦ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੱਖਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਟੇਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਤਲਬ ਅੱਗ ਬਾਲ ਕੇ ਚਿਤਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਲਿਆ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਨ ਆਫ ਆਰਕ ਵੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕੁੜੀ ਸੀ ਜਿਸਨੇ ਫਰਾਂਸ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਸੀ ਔਰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡੋ ਤੁਸੀਂ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੀ ਹੈ, ਔਰਤ ਹੈ ਜਾਂ ਆਦਮੀ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਜੀ। ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਸਾਡੀ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੈਕਸਸ ਦੀ, ਔਰਤ ਨੂੰ ਮਰਦ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫੇਮਸ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਵਾਰ ਵਾਰ ਕੋਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਸੋ ਕਿਉਂ ਮੰਦਾ ਆਖੀਏ ਜਿਤ ਜੰਮੇ ਰਾਜਾਨ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹਨਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਔਰਤ ਮਰਦ ਬਰਾਬਰ ਹਨਗੇ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਅਸੂਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤ ਹਨਗੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕ, ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਸੀਂ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਆਪਣੇ ਅਕੀਦੇ ਆਪਣੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਆਪਣੇ ਪਹਿਨਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇੰਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ 5000 ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਸੀ ਜੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਨਮਾਜ਼ੀ ਖਾਲਸਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸੀ, ਔਰ ਉਹ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੁਗਲ ਸਮਰਾਜ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ੁਲਮ ਇਹ ਜੰਗ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੀ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਔਰ ਹਰ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨੂੰ
अपनी किस्म की आजादी, गुरु तेग बहादुर साहब का जाके शहादत देना चांदनी चौक दे विच दसदा है कि हर एक धर्म नू अपनी आजादी होएगी, जिस तरह भी वह रहना चाहता है, जो भी उसके धार्मिक अकीदे हैं उन्होंने उत्ते पूरा उतर सकता है। रणजीत सिंह के समय की एक गल दस देन कि जी सारे सिख कट्ठे हो के मुसलम गए जी, ये मुसलमान सवेरे उठ के बांगा देने लग पैंदे आ, सानू बड़ी डिस्टर्बेंस हुंदी है, असी सौ नहीं सकते, ते ए उन्होंने मुसलमानों नू बुलाया बई क्यों तुसीं इह इन्ना कम माड़ा कम करते हो, ये सारे सौ नहीं सकते बेचारे। वह कहने लगे जी असी मस्जिद जाना हुंदा नमाज पढ़न वास्ते तां बांग दिंदे आ। रणजीत सिंह कहिंदा वी भाई देखो तुसीं ऐ करो, तुसीं इन्हां नू जगा दिया करो, इन्हां नू बांग देण दी लोड़ ही ना पवे जी। सो 4:30 जदों उठ के जगाउणा पिया 10 दिन, तो उस तों बाद चले गए जी महाराज कोई गल नहीं इन्हां नू बांग ही दे लैण दिओ। सो साडे धर्म की आजादी के सिख धर्म अलाउ नहीं करता किसी नू भी कि कोई उहदे विच उसदे कांड छांट करे। तुसीं देखोगे कि संसार दे विच सब तो पहला जिहड़ा यूनीवर्सल सफरेज है वह इंग्लैंड दे विच नहीं आया, इंग्लैंड दे विच महाराजा दलीप सिंह की लड़की भी इस दे वास्ते लड़ रही थी और लीड कर रही थी उन्हां नू कि औरतां नू वोट पाउण दा अधिकार चाहिए। सब तो पहला 1925 दे विच साडे पंजाब दे विच आ जिहड़ी आ श्रोमणी कमेटी बनी है, कमेटी दे विच अधिकार मिलिया औरतां नू वोट पाउण दा, यह सब तो पहला अधिकार सी। सो असी लोग तां इस तरह की अकीदे रखते हैं और इस तरह के साडे ख्यालात हन गे, इस दे विच किसे दे उत्ते कोई बन्नण नहीं होएगा कि आ नहीं खा सकता वह नहीं पी सकता। हाँ पब्लिक इंट्रस्ट दे विच जिवें हुण अपने अजकल नशे तंबाकू का सेवन सारी दुनिया ने बैन किया होया है और पब्लिकली नहीं किया जा सकता, इहो जिहियां गल्लां शायद होणगियां और वह होनिया भी चाहीदियां जी। सर दो चीज़ां ने सिख पढ़ते ने, एक तो कहू किसी को राज ना दे है जो ले है निज बल से ले है, लेकिन जो आप जपजी साहब पढ़ते हैं तो वह गुरु नानक साहब कहते हैं कि आखण जोर चुपै न जोर, जोर ना मंगण देन ना जोर, जोर ना जीवन मरन न जोर, जोर ना राज माल मन शोर। हुण इत्थे गुरु नानक साहब एक तरीके नाल कह रहे हैं कि अकाल पुरख की सृष्टि में कोई जोर जबरदस्ती नहीं चलती, ना ही किसी नूं राज मिलता जोर जोर दे नाल, ना ही कोई बंदा इस तरीके नाल कर सकता। लेकिन दूसरे पासे बहुत सारे सिख ने गर्म ख्याली जिहड़े गल्लां कहिंदे ने कि हुण हथियारां दी लोड़ दे नाल ही हथियारां दी मदद दे नाल ही असीं सारा कुछ हासिल कर लांगे, जिवें तुसीं पहलां वी गल कही कि सिखां ने संत जरनैल सिंह दीआं जिहड़ियां सिक्ख्यावां सी उहनूं तां परे करता, लेकिन उहनां ने कुछ एक दो पॉइंट अपने मतलब लई वरतने शुरू करते। तो कि जड़िया गल्लां ने कि कहो किसी को राज ना दे है, तो दूसरी जी गल आ कि जोर ना आखण जोर च पै ना जोर, जी गुरु नानक साहब की गल आ कि ये आपस के आपा विरोधी गल्लां नहीं जापदियां तुहानू? देखो एक तो जी है ये तुक गुरबाणी की नहीं है जी कि जो लै हैं निज बल से लै हैं जी, लेकिन इस दे विच भी बल की व्याख्या करनी पेगी जी। बल की हुंदा है? बल यह नहीं हुंदा कि जोर जबरदस्ती धक्का ही और हथियारों की लड़ाई बल हुंदा जी। बल हुंदा है हुण आपां अजकल दे जमाने दे विच एक प्रचलित है चीज के साड़ी सॉफ्ट जिहड़ी साड़ी इनफ्लुएंस है वह किन्नी है दुनिया के उत्ते, योगा दी योगा नूं लोक मन रहे है फलाने फलाने, मैं नहीं कहिंदा भी मन रहे, लेकिन उन वह कहिंदे है कि साडे योगा नूं सारी दुनिया इस वेले प्रवान कर रही है जी। एक साड़ी सॉफ्ट इनफ्लुएंस है लोगों के उत्ते, असी इस तरह नाल लोगों के मनों के उत्ते कब्जा किया होया है। सो बल का मतलब यह नहीं हुंदा कि फिजिकल बल या हथियारों की लड़ाई, उहदा बल का मतलब यह भी हुंदा है कि साड़ी मॉरल सुपीरियोरिटी जिहड़ी गुरु साहब ने सानू दसी है कि भाई तुसी एक आदमी 1.25 लाख के बराबर होएगा, यानी कि एक आदमी दे विच मॉरल इंटैग्रिटी और उसकी स्टैंडिंग बतौर इंसान इन्नी होएगी दुनिया दे विच कि जे 1.25 लाख आदमी एक पासे होवे उसकी गवाही एक पासे होवे तां सिख की गवाही सही मनी जाएगी। इस तरह ही गुरु ग्रंथ साहब दे विच जिहड़ा लिखिया होया है कि साडा परमात्मा ही राजा है, इस तों बिना इक्को ही राजा है और इस तों बिना कोई राजा संसार दे विच नहीं। इन्हां राजां दे बारे जिहड़े इत्थे
राज करन दी इच्छा रखते हैं लिखा होया कि राजे रूजे नहीं इन्हों मनना चाहिए तो ना ही इस तरह का राज लोगों के उत्ते करन दा किसी नूं अधिकार है सिख धर्म के अनुसार। और फिर जिहड़ी धरती है इस दे बारे पंजवें पातशाह ने कबीर का दोहा रिपीट करदे होया क्या है कबीर धरती साध की तस्कर बैसेगा। ये जिहड़ी धरती है ये परमात्मा की धरती है सारिआं दी सांझी है इस दे उत्ते कोई जोर जबरदस्ती कब्जा नहीं कर सकता। ये तस्करां ने खाम खा का कब्जा किया कब्जा टुटना चाहिए ये सिखी का असूल है। फिर जिहड़े पंजवें पातशाह का बड़ा ही एक राज दे बारे संकल्प है जी। उस दे विच ओ कहंदे ने हुण हुक्म होआ मेहरबान दा पै कोई ना किसे रजाण दा कोई किसे दे उत्ते जुल्म तशद्दद डरा धमका नहीं सकदा किसे नूं इह मेहरबान दा हुक्म है परमात्मा दा सच्चे पातशाह दा जिहड़ा सारे संसार दा राजा है जिस दे सारे अधीन हनगे उसका हुक्म है कि कोई भी किसे नूं डरा धमका नहीं सकदा। सो इस करके इन्हां असूलां दे अधीन साड़ी सरकार बनेगी चाहे राज साडा होवे राज जे सिखां दा होएगा खालसे दा होएगा तां उह वी इन्हां असूलां दे अधीन होएगा। फिर तुसीं जदों मिसलां दी स्टडी करन लगोगे रणजीत सिंह दे राज दी बंदा बहादुर दे राज दी स्टडी करन लगोगे तो तुहानूं पता लगेगा कि इह सारे दे सारे असूल उन्हां ने अपने राज दे दौरान इंप्लीमेंट कीते सन लागू किए सन और लोग खुश सन इन्हां गल्लां तों। इस करके सारे सिख सिर्फ इस राज खालसा दे विच सिख 11% तो लैके 7% भी कई कहिंदे ने लेकिन 11% तो वध नहीं सन लेकिन इन्ने वड्डे खिते दे उत्ते राज करदे सन सारी दुनिया इन्हां दा लोहा मनदी सी और अमरीका फ्रांस इत्याद मुल्कां दे नाल मुल्कां दे लोग इत्थे आ के नौकरियां करदे सी। सो किसे दे नाल कोई वितकरा नहीं होएगा एक ऐवें वहम दीआं गल्लां ने। जे कोई इस चाह दे विच खालसा राज चाहुंदा है कि असीं लोकां दे उत्ते जुल्म करांगे तां उहनां नूं याद रखना चाहीदा है कि सब तो पहला खालसा ही उहनां दे बरखिलाफ खड़ा होएगा कि यह जुल्म तुसीं नहीं कर सकदे। गुरु तेग बहादुर साहब ने शहादत दित्ती है असीं इह अजाई नहीं जाण देनी। मास्टर तारा सिंह कहिंदे सीगे कि मैं रोज जपजी साहब का पाठ करदा लेकिन जे कोई मैनूं जबरदस्ती कहे भी तैनूं जपजी साहब का पाठ करना पएगा तो कहिंदे मैं पाठ नहीं करांगा। सो इह जिहड़े हैगे इह सटल ते फिलोसॉफिकल मसले हनगे इन्हां दा धर्म दे नाल इन्ना संबंध है कि जिन्नी खुल सिखी ने दित्ती हुई है अजे ताईं संसार ने देनी है जी। अजे ताईं बहुत से संसार दे खित्तियां दे विच सियासी तौर दे उत्ते धार्मिक तौर दे उत्ते आर्थिक तौर दे उत्ते उह खुल्लां नहीं दित्तियां गईयां जिहड़ियां कि सिखी ने सिखी दे तसव्वुर दे विच हनगियां जिहड़ियां कि सिखी दा सुपना हनगियां जिहड़ी परमात्मा दी जिहड़ा परमात्मा दा हुक्म है संसार दे वास्ते उस दे अनुसार हनगियां अजे ताईं तां उह अनफोल्ड होणियां ने। सो इन्हां लोकां नूं जे इस तरां दे मनसे रख के इह लोक जिस तरां इन्हां ने पिछे अपने भरावां नूं कतल कीता और कई एक मूर्ख आदमी ने तां मैनूं कतल करन वास्ते भी लोकां नूं उकसाया। सो इह लोक इस तरां दे जिहड़े हनगे इह इस्लामी इस्लामिक या हिंदू धर्म तों प्रेरित हनगे उस दे असर अधीन इह समझदे ने कि साडा इक्को ही धर्म है ऐसा कुछ नहीं है। गुरु साहब ने कहा है कि सारे धर्म आपस दे विच मेल जोड़ करके रहनगे क्योंकि सारे एक परमात्मा दे सपूत हनगे एक परमात्मा इन्हां दा पिता है ते माता है ते इस तों बिना कोई होर दूसरा नहीं हैगा जिस नूं असीं जिस दे अगे सिर झुकाउणा है। इस करके इह सुपने इन्हां दे कदे पूरे नहीं होणगे और जल्दी इन्हां नूं त्याग देने चाहीदे ने। सर एक आखरी सवाल है मेरा कि की सिख राज बनाउणा स्थापित करना संभव है या सिख जिहड़ा अरदास दे विच राज करेगा खालसा उहनूं उत्थे क पढ़ के ते उसते उहदे नाल ही जिहड़ी संतुष्टि हो जाएगी उहनां दी ते जे संभव होएगा सिख राज बनाउणा तां इह किवें संभव हो सकदा अज दे जमाने 'च। एक जवाब तां सन जरनैल सिंह दिंदे सन जी कि तुसीं खालसा राज चाहुंदे हो तां खालसे बनाओ जी बिल्कुल जी जी जी। एक जवाब तो इसका यह है जी। और दूसरा जवाब भी यही है जो जो तुसी
जेडे गुरु साहब के अहकाम हन गे साडे वास्ते, जेडी गुरु ग्रंथ साहब के अमृत बचन हन गे साडे वास्ते, असी किस तरह नाल विचरना है, किस तरह संसार दे विच रहना है, किस तरह लोकां दे नाल मेल जोल रखना है, किस तरह जुल्म दा विरोध करना है, जेडे ये सारे असूल जिस वेले असी लैके चलांगे, जदों सानू साडी पग नूं वेख के लोकां नूं ये हो जाएगा कि जी ओ खालसा खड़ा है, ये अकाल पुरख दा फौजी है, ते इस दे कोलों मदद लई जा सकदी है, जे साहब मेरे उत्ते मुश्किल आई है, उस वेले खालसा राज होएगा, उस नूं खालसा राज ही कहांगे, और ये बिरथा कदे ना हो गई। जन की अरदास सानू आप सच्चे पातशाह फरमा गए ने, साडी अरदास जिहड़ी है कदे भी बिरथा नहीं जानी, क्योंकि तुसीं देखोगे जिहड़ी UNO बनी है वह भी सिख असूलों के उत्ते बनी है, मिसलां दे विच जिहड़ा असूल उस पिंड तक है जिहड़ा हलका उस नूं राज करन दा हक देवे, उस तों इलावा दूसरे दे उत्ते वह राज नहीं कर सकता। जे कोई मिसलदार किसी दूसरे जगह दे उत्ते कब्जा करदा सी तां सारियां मिसलां इकट्ठियां हो के उसका विरोध कर दिया सन, जिस तरह के आला सिंह दा आला सिंह ने एक बार किया सी, ते बघेल सिंह सारे लोगों नूं नाल इकट्ठे करके सारिया मिसलों नूं पांच मिसलां चढ़िया सी इहदे बरखिलाफ, ते ओह उहनां दे जिहड़े अधिकार सी जिहड़े हक सी आजादी दे उहनां नूं वापस लुआए सन। सो ये सारिया साढ़े असूलों के अनुसार संसार अगां वध रहा है, और इसे दे विच संसार का भला है, यही साडी गुरु ग्रंथ साहब के उपदेश हनगे, जिन्हां नूं सारे संसार ने मनना है, चाहे वह गुरु ग्रंथ साहब तो सीधा पढ़ के मन लैन जिवें आपां मनदे आ, जां वह अपनी सरकमस्टांसिस देख के जो कुछ हुंदा जांदा है, जो ये डिवेलपमेंट हो रही है ये इंसानियत दे विच इस और सारे इस मसले दे विच संसार दे सारे आर्थिक मसलों दे विच होर सारे धार्मिक फिलोसॉफिकल डिवेलपमेंट जो हो रही है ये सारी की सारी इस पासे वाल हो रही है, जिहड़े गुरु ग्रंथ साहब के उपदेश हनगे, ये एक दिन जरूर लागू होणगे और सारा संसार सुखी वसेगा। हुण हुक्म होआ मेहरवान दा पै कोई ना किसे रजाण दा, हबे सुखाली बूठियां, हुण होआ हलेमी राज जीओ, ये हलेमी राज जदों होएगा वह खालसे का राज होएगा, वह खालसे के असूलों के अनुसार राज होएगा, वह गुरु ग्रंथ साहब के उपदेश के अनुसार राज होएगा, और उस राज नूं हुण देखो तुसीं कि तुसीं थोड़े जे 2% लोग हो, लेकिन थोड़ा भी आदमी इत्थे हिंदुस्तान दे विच 10 साल राज कर सकिया। हुण इस वेले तुसीं दिल्ली दे विच बैठे हो, थोड़े जे लोग हो, लेकिन सारे हिंदुस्तान दे जिन्ने भी किसान हनगे थोड़ी सरदारी मन रहे हैं, और थोड़े असूलों के उत्ते चल रहे हैं, थोड़े लंगर चल रहे हैं, थोड़े गुरु का लंगर चल रहा है, सारे संसार के उत्ते लोग बैठ के आपस दे विच साझा पा रहे हैं, और कट्ठे बैठ के रोटियां खा रहे, रोटी खा रहे हैं, जड़ा कि हिंदुस्तान दे विच कदे भी नहीं होया। जे कोई बच्चा भी 2 साल का किसी मंदिर दे विच पानी पीन वास्ते बढ़ जाता है, 2 साल का बच्चा किन्ना हुंदा है, तो उन्होंने उसके माँ बाप को 23,000 रुपया जुर्माना किया जाता है, आ पिछले समय की गल है, और वह किस तरह कुट के मंदिर तो बाहर कढ़िया जाता है, उधर दूसरा असूल चल रहा है, इधर सिखी का असूल चल रहा है, जड़ा कि सारे संसार के भले लोगों एक एक लड़ी के प्रो के उस परमात्मा के लड़ ला रहा है जोड़ा दयालु है, जोड़े जिसके सामने कोई नर्क स्वर्गों की गल नहीं, जोड़ा सबनों गल ला, जिसके सारे धियां पुत्र हैं, जेड़े जोड़ा कि सारे संसार में सुखी वेखना चाहता है। सर बहुत मेहरबानी जी, जी जी बहुत मेहरबानी सर, तुसी बहुत सारिया गल्लां ऐसियां दसियां जिहड़ियां पहलां नहीं सी पता, एक तां तुसी ओह गल बहुत वधिया दसी कि जिहड़ियां औरतां नूं बराबर दे अधिकार की जिहड़ी पहल हुई सी ओह 1925 च सिख इतिहास दे विच ही होई आ, ते होर वी इस तों अलावा भी कई जिहड़े सवाल सी जिन्हां दे जवाब लैणे जां विचार होणी बहुत जरूरी सी, ते संगत नूं भी बेनती है कि विचार करनी जरूरी हुंदी है, कोई सिरा सहमत होना जां असहमत होना हर एक दे आपो अपने विचार बण जांदे ने, पर आपस दे विच डिस्कशन होनी अलग अलग मुद्दों के उपर बहुत जरूरी है, ताकि उन्होंने विचों कोई ना कोई हल निकलता। सो असी सरदार गुरतेज सिंह जी का सर थोड़ा बहुत बहुत थैंक यू, तुसी समा दिता सानू।